सो चलो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग. अप टू द लास्ट लेक्चर वी हैड डन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. फिर हमने काफ़ी और भी चीज़ें देखी. इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी हमने कल देखा, एप्लीकेशन एरियाज वगैरह ये सारी चीज़ें कल देखी हमने. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग. नाउ बेसिकली इफ यू कैन सी फ्रॉम दिस वन, मशीन लर्निंग इज नथिंग बट इट इज़ अ प्री स्टेज ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जैसे आप इंटेलिजेंट कैसे बने, या आप अभी जो लाइफ में इंटर तक पहुँचे हो, यहाँ तक आप पहुँच गए, इट इज़ अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंस कब आती है? जब आप कुछ सीखते हो, येस और नो? वैन यू लर्न देन ओनली यू कैन अप्लाई द नॉलेज. तो बेसिकली ऐसा हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द प्री स्टेज ऑफ, सॉरी, मशीन लर्निंग इज द प्री स्टेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आउटकम है, लेकिन उसके पहले की तैयारी जो है उसको हम लोग कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग. ये आपने रोबोट मूवी में भी देखा होगा, जहाँ पर वशीकरण क्या करता है, चिट्टी रोबोट का सब कुछ सिखाता है. येस और नो? क्या आपने वो मूवी का सीन देखा हुआ या नहीं देखा हुआ है? हाँ, तो उसको सब कुछ सिखाता है, वो फ्लोर पे लिख के सिखाता है, ऊपर लिख के सिखाता है, उसको कई दिनों तक ट्रेनिंग देता है, उसके बाद चिट्ठी फिर सोचने लगता है. तो बेसिकली वो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर इंटरकनेक्टेड. पहले मशीन लर्निंग होगा, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा. बात को समझे नहीं समझे, ये देखिए कुछ रीड करेंगे इसको. मशीन लर्निंग इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट प्रोवाइड कंप्यूटर विद द एबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड. एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड का मतलब क्या होता है? हम हर चीज़ तो प्री प्रोग्राम नहीं कर सकते ना. अब जैसे अगर आपने कोई रोबोट बनाया है और उस रोबोट का अगर US में कोई इंटरव्यू लेने वाला है, तो हम हर बार उस रोबोट को प्रोग्राम तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको ये सिखा सकते हैं कि जब तुम्हें कोई अननोन क्वेश्चन आता है या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो तुमने पहले कभी नहीं सुना, तो उसका आंसर सोच समझ के कैसे करना, ये हम कर सकते हैं. लेकिन हम क्वेश्चंस को और इन्फॉर्मेशन को और सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए पहले मशीन लर्निंग जरूरी है, उसके बाद क्या आएगा, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मशीन लर्निंग फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कैन चेंज व्हेन एक्सपोज टू न्यू डेटा. द प्रोसेस ऑफ मशीन लर्निंग बीइंग सिमिलर टू दैट ऑफ डेटा माइनिंग. सर, डेटा माइनिंग क्या होता है, इसी चैप्टर में आगे हम लोग देखने वाले. एक सिंपल कॉन्सेप्ट के लिए आपको बता देता हूँ, डेटा माइनिंग मतलब क्या होता है. बेसिकली एनालिस, डेटा एनालिटिक्स का नाम सुना है आपने, ये टर्म सुना है, डेटा एनालिटिक्स? यस सर. सो बेसिकली डेटा एनालिटिक्स के बारे में क्या जानते हो आप? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा एनालिटिक्स, कुछ जानते हो इसके बारे में? बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारा डेटा आपको दिया होता है और उसके हिसाब से आपको उसमें ट्रेंड एनालिसिस करना होता है. तो डेटा माइनिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एक मिनट, ये माइक को कुछ हो गया क्या? शायद आवाज़ आ रही है मेरी अभी भी प्रॉपरली? ओके फाइन. सो बेसिकली डेटा माइनिंग क्या है, इमेजिन करो कि आपको फेसबुक पर जो है वो प्रमोशन करना है, ठीक है, आपको फेसबुक पर प्रमोशन करना है. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, फेसबुक पर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पर आपको कोई पोस्ट को पोस्ट करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे बहुत सारे आपको फिल्टर्स दिखाई देंगे. चलिए एक काम करते हैं, आपको डेटा माइनिंग का प्रैक्टिकल एग्जांपल ही बताएंगे, बिकॉज बेटे डेटा माइनिंग आपको सिलेबस में है ही, तो आज इसको यहीं ख़त्म करेंगे प्रैक्टिकली देख के. तो फेसबुक पर चलेंगे, तो फेसबुक पर ही अपनी प्रोफाइल हो गई, और यहाँ पर अब मेरे कुछ पेजेस हैं फेसबुक पर. जस्ट वेट, इतना मेनू में चेंज आते रहता है ना फेसबुक के, समझ में नहीं आता है कई बार कि करे तो करे क्या. जस्ट वेट. अरे भाई, अभी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कैसे करे? अब ये हमारे पेज पर चला गया मैं, ठीक है. अगर अब यहाँ पर मुझे किसी पोस्ट को प्रमोट करना है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रमोट का. लेट अस से फॉर एग्जांपल ये कोई वीडियो है ना, इसको यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट का. जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर एक एडवर्टीजमेंट के रिलेटेड कुछ विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी, करेक्ट. अगर आप देखो तो ये जो एडवर्टीजमेंट का विंडो है, यहाँ पर कुछ फिल्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पीपल हु लाइक योर पेज, मतलब ये ऑडियंस में इसको डिसाइड करना चाहिए कि मैं ये कौन से लोगों को एडवर्टीजमेंट करना चाहता हूँ.
क्या ये मैं दूल्हे के लोगों को बताना चाहता हूँ, या फिर अगर मैं क्रिएट न्यू पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे जो है बहुत सारे फिल्टर दे देगा यहाँ पर। जैसे ऑडियंस नेम मैं बोलूंगा ऑल, लड़कियों को बतानी है ऐड या लड़कों को बतानी है या सबको बतानी है। फिर मैं यहाँ पर एज लिमिट जो है वो फिक्स कर सकता हूँ, लोकेशन फिक्स कर सकता हूँ। जैसे सपोज लेट अस से फॉर एग्जांपल मुझे दिल्ली में ऐड करनी है, तो आई विल टाइप दिल्ली आउट हियर, तो ये मुझे मेनू में बता देगा जो दिल्ली के रिलेटेड सारी कुछ चीज़ें वो यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, देन मैंने सिलेक्ट किया कि चलो साउथ इंडिया में भी एडवर्टीजमेंट करते, तो मैंने हैदराबाद पे क्लिक किया, हैदराबाद टाइप किया, हैदराबाद तेलंगाना इंडिया, तो मैंने हैदराबाद और दिल्ली साइड अब ये ऐड दिखना शुरुआत हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं करूँगा डिटेल टारगेटिंग, हम लोग कर सकते हैं आराम से, वो अभी हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर वो नीचे मुझे दिखा रहा है कि पोटेंशियल रीच कितना है। अगर इस तरह की ऑडियंस में सिलेक्ट करूँगा तो लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों को मेरी अपनी ये एडवर्टीजमेंट में दिखा सकता हूँ। कभी आपने अपने फेसबुक के प्रोफाइल को अगर स्वाइप किया होगा तो आप देखो आप कई बार स्पॉन्सर्ड लिखा आता है, कभी देखा है आपने ऐसे? इंस्टाग्राम पे भी लिखा आता है। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। फेसबुक पे कितना डेटा है, मोर देन 1 बिलियन पीपल हैव देयर एक्टिव अकाउंट्स ऑन फेसबुक। उनमें से 2 करोड़ 30 लोगों को मेरी अपनी एड दिखानी चाहिए। मतलब क्या कि वो 1 बिलियन से भी ज़्यादा लोगों में से 2 करोड़ 30 लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ और उनके फेसबुक पेज पर मैं अपनी ऐड दिखाऊँ, मतलब उनके फेसबुक के प्रोफाइल पर मेरी ये जो ऐड है वो यहाँ पर दिखाई देंगी। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग। माइनिंग का मतलब होता है डिगिंग डीप एंड टेकिंग इट आउट। तो समुंदर है डेटा का हमारे पास, उसमें से एक टारगेट ऑडियंस को निकाल करके फिर उसको हम जो है वो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं। सो दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डेटा माइनिंग। बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग? तो ऐसा आप कर सकते हो। तो यहाँ हम एडवर्टीजमेंट को जो है, अच्छा सारे बच्चों से एक, अच्छा आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब पर जाकर देखा है कि नहीं देखा है? हैव यू गॉन टू यूट्यूब, सर्च वर्च कराए कि नहीं कराए? वी हैव आर ओन चैनल ऑन यूट्यूब एज वेल, ये शायद आपको कहना ही रह गया मेरे साइड से, तो एक बार ही देख लेते। हाँ भैया लीव कर दे इसको, यूट्यूब पर जाइए आप, हमारे नाम से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चैनल मेरा आपको ऊपर दिख जाएगा, कई सारे आपके रिलेटेड इंपॉर्टेंट से वीडियोस हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं। ये देखिए अभी बहुत बढ़िया सा वीडियो हमने डाला था, करियर ऑप्शंस आफ्टर सीए, सीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हो, उसका पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी डेफिनेटली आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, है ना? हर यूट्यूबर तो ये कहता ही है, तो मेरा भी जो है वो जिम्मेदारी बनती है। सो इफ़ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग बैक टू सिलेबस। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट? तो मशीन लर्निंग का डेटा माइनिंग के जैसा कह सकते हो कि हम उसको सिखाएंगे सब कुछ कि कैसे चीज़ें करनी है, कैसा डिसीजन मेकिंग करना है, और जब एक बार वो सीख जाएगा उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर इंटरकनेक्टेड। ये दोनों का ऐसा मतलब ये जुड़ा हुआ है, दे आर कनेक्टेड टू इच अदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट बी विदाउट मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग का आउटकम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए अगर आप देखो तो इसके एप्लीकेशन एरियाज और इसकी जो रिस्क है वो एग्जैक्टली सेम है एज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको कुछ भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो एग्जाम में कभी कभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन पूछेंगे या कभी कभी ये मशीन लर्निंग पर क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन में डिफरेंस है, लेकिन आंसर वाइज डिट्टो वैसा की वैसा है, कोई इसमें चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। तो कोई भी एक पढ़ लो आप, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख रहे हो तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा दैट इट इज एन आउटकम ऑफ मशीन लर्निंग, और जब मशीन लर्निंग करोगे जब उसको लिखोगे तो बोलेगा इसका आउट ये है प्री स्टेज ऑफ योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाकी आंसर तो एग्जैक्टली रिमेन्स सेम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। अब चलिए आपके कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज के अभी आपको बताते हैं कि हम समुंदर में अभी कहाँ हैं, पूरे चैप्टर में कहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, ये आपको दिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग चार्ट्स पर आएंगे फिर से। ये देखिए बेटा क्लाउड कंप्यूटिंग का पार्ट हमने कंप्लीट किया था, फिर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज में हम यहाँ थे, उसमें से हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है अब तक। क्लाउड वी हैव डन, मोबाइल, BYOD, इंटरनेट, वेब वाला, AI कर लिया, ग्रीन IT कर लिया। अब यहाँ से केवल 2 टेक्नोलॉजीज बचती है, जिसका पहले का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन और दूसरे का नाम है द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। ये दोनों चीज़ें बची हुई है। तो चलिए वी विल फर्स्ट गो टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, हम इसको कवर करेंगे, और ग्रिड कंप्यूटिंग को आज कवर करेंगे। वी विल डू दीज 2 कॉन्सेप्ट्स टूडे, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। सर नाउ सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन बताइए जरा। क्रिएशन समथिंग इन साइबर स्पेस।
क्रिएटिंग समथिंग इन साइबर स्पेस. ओके, एक बच्चा बोल रहा है भैया सर साइबर स्पेस में कुछ तो क्रिएट करेंगे तो उसका हम वर्चुअलाइजेशन कहेंगे. अच्छा और बताइए कुछ, और भी थोड़ा ट्राई करते रहो आप. सी ट्राई टू आंसर मेनी थिंग्स. सर मतलब हम बताइए कि ऐसा कुछ है, मैं समझ रहे नहीं क्या ऐसा क्या मतलब कि ऐसी ऐसी चीज हो सकती है, जैसे गेम्स हो गए हम मतलब कि ऐसा ऐसा गेम रहती है वैसे एक्चुअली में कुछ ऐसा होता नहीं है. अच्छा, मतलब जो चीज नहीं है लेकिन लगती है कि वो है. हाँ मतलब टेरर स्टैटिक सीएस खेलते थे ना, वहां पे हाँ हम टेरर स्टैटिक करते थे मतलब कुछ ये नहीं था, ऐसे कोई रियल में हो रहा नहीं था, वर्चुअल बैकग्राउंड में खेल रहे थे. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. अच्छा, एक बच्चे का कहना है कि सर उन्होंने गेम का एग्जांपल देके इसको रिलेट करा. अच्छा, और कोई कुछ बताना चाहेगा? आपके आंसर इंटरेस्टिंग होते हैं इसमें, बार बार पूछते रहता हूँ. बोलिए. कोई एक्टिविटी क्या कह रहे हो? कोई एक्टिविटी. ओके, I'll just click a photo of this. कोई एक ऐसी एक्टिविटी, थोड़ा सा क्लैरिफाई करोगे आंसर को आप, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू से. रिद्धि आप आंसर कर रहे थे, राइट? बोलिए, थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए आपके आंसर को, मैं सुन रहा हूँ. ओके, ठीक है. मतलब बेसिकली सबका मानना है कि वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट मतलब जो चीज नहीं है लेकिन लगती है कि वो है उसको हम कहेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. यही कहना चाहते हो मोटा मोटी तौर पे सारे बच्चे? फिर चाहे वो कोई भी एग्जांपल आप ले लो. तो चलिए वर्चुअलाइजेशन का मीनिंग आपको बताएंगे. जो आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन कंप्यूटर की दुनिया में वर्चुअलाइजेशन का कुछ और भी मतलब है. वर्चुअलाइजेशन का हम यहाँ पर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के एंगल से इसके मतलब को समझने का ट्राई करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ये देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म वर्चुअलाइजेशन. जरा इसको रीड करेंगे एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इन कंप्यूटिंग वर्चुअलाइजेशन मीन्स टू क्रिएट अ वर्चुअल वर्जन ऑफ अ डिवाइस और रिसोर्स सच एज अ सर्वर, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क और इवन एन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर फ्रेमवर्क डिवाइड्स द रिसोर्स इंटू वन और मोर एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स. वन और मोर एग्जीक्यूशन एनवायरमेंट्स. ओके, थोड़ा सा और रीडिंग करेंगे. वर्चुअलाइजेशन अलाउ इट्स यूजर्स टू मैनिपुलेट देयर सिस्टम्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स इनटू थिंकिंग दैट ए ग्रुप ऑफ सर्वर इज अ सिंगल पूल ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड कॉन्वर्सली अलाउज इट्स यूजर्स टू रन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम साइमल्टेनियसली ऑन ए सिंगल मशीन. सर इसका क्या मतलब है? तो बेसिकली वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, जैसे मैं फिर से हिंदी में रिपीट करूंगा, कंप्यूटर की दुनिया में जो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि वो है उसको हम कहेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. जरा इस इमेज को आप यहां पर समझने का ट्राई करना, इमेज को समझने का ट्राई करना. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर एंड वर्चुअल आर्किटेक्चर. ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर की उस अगर आप इमेज को देखो तो आपको नीचे दिख रहा है हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन. मतलब लेट अस से फॉर एग्जांपल आपके डेल का कंप्यूटर है तो डेल का हार्डवेयर, विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके ऊपर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल या फिर जो भी सब कुछ यहाँ पर मौजूद है आपके कंप्यूटर में होता है, आपके फोल्डर, आपका डेटा, वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन. यू कैन ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर. लेकिन अगर मेरे को मेरे ही कंप्यूटर में एप्पल का आईओएस भी चलाना है, मेरे ही कंप्यूटर में मेरे को विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम भी चलाना है और मेरे ही कंप्यूटर में मेरे को लिनक्स का भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना है, तो फिर मैं क्या करूँ? क्या मैं तीन अलग अलग कंप्यूटर ले लूँ क्या? एक एप्पल वाला, एक विंडोज मतलब एक आईओएस वाला, एक एक अपना विंडोज वाला और एक आपका लिनक्स वाला. ये थोड़ी खर्चे वाली बात हो जाएगी. तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया एंड एक एडिशनल लेयर को ऐड किया गया और वो एडिशनल लेयर है वर्चुअलाइजेशन का लेयर. आपके हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक वर्चुअलाइजेशन का लेयर बनाया जाता है और इस वर्चुअलाइजेशन के लेयर पे तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हो एक ही कंप्यूटर में. तो जो यूजर है उसको ऐसा फील आएगा कि वो तीन अलग अलग कंप्यूटर यूज कर रहा है लेकिन इन रियलिटी ये एक ही सिंगल मशीन है. अब फिर से हिंदी में रिपीट करूंगा, जो है नहीं लेकिन लगता है कि वो है उसको हम लोग बोलेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन. हमको ऐसा लगता है कि ये तीन अलग अलग मशीन्स है लेकिन एक्चुअली एक्चुअली दिस इज वन सिंगल हार्डवेयर
जिस पर तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रही है, एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है कि ये है, करेक्ट। अब जैसे आप जीमेल पर जो है, मतलब जीमेल के पास बहुत सारे सर्वर है, और सर्वर क्या होता है आप जानते हो, पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो जीमेल के एक सर्वर पर मेरा अपना जीमेल का अकाउंट है, उसी सर्वर पर हो सकता है कि आपका अपना अकाउंट है, फिर बहुत सारे लाखों लोगों का एक ही सर्वर पर अकाउंट होगा। जी हाँ, एक सर्वर की जो कैपेसिटी होती है वो 25 से 30 लाख अकाउंट्स होल्ड करने की होती है, एक नॉर्मल सस्ते सर्वर की। अगर हम जैसे जैसे प्राइस को बढ़ाएंगे, महंगा करेंगे, तो कैपेसिटी बढ़ते चली जाएगी। तो इमेजिन करके कि 25 लाख लोगों का जो जीमेल का अकाउंट है वो एक ही सर्वर पर है, तो हमें क्या फील आता है कि हमारे लिए जीमेल ने, गूगल ने एक अलग से सर्वर डेडिकेट किया है। लेकिन इन रियलिटी क्या है, एक ही सर्वर में 25 लाख लोगों के अकाउंट है, लेकिन वो अलग अलग हिस्से में उसको डिवाइड किया हुआ है। सो वर्चुअली वी फील दैट देर आर 25 लाख डिफरेंट सर्वर्स, बट इन रियलिटी देर इज ओनली वन सर्वर ऑन विच 25 लाख अकाउंट्स आर एक्टिव। ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? इस डायग्राम से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा है कि वर्चुअलाइजेशन से क्या हो रहा है। पहले एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके एप्लीकेशन, अब एक ही आपका हार्डवेयर है और उस पर तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम आ रही है, और ऐसा पॉसिबल है, आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हो। उसके लिए बेटा आपको एक बहुत ही बढ़िया से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जिसका नाम है हाइपरवाइजर। नाम लिख लेना इसका, उस सॉफ्टवेयर का नाम है हाइपरवाइजर। उसको कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, और फिर आपके कंप्यूटर में आप विंडोज भी चला सकते हो, iOS भी चला सकते हो, और लिनक्स भी चला सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही कंप्यूटर में पॉसिबल है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अब कितने टाइप के वर्चुअलाइजेशन होते हैं, कितने टाइप के वर्चुअलाइजेशन होते हैं? ऐसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में तीन मेन टाइप के वर्चुअलाइजेशन बताया हुआ है। सबसे पहला है हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन, उसके बाद है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, और लास्ट में है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तीन टाइप के वर्चुअलाइजेशन है, स्टोरेज, नेटवर्क एंड हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। तो बेटा हमने आपको जो एग्जांपल अभी दिया कि एक ही हार्डवेयर पर तीन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ अ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। और जिस सॉफ्टवेयर का हमने आपको नाम बताया, ये ऑलरेडी आपके नोट्स में है, यहाँ पर देखो, हाइपरवाइजर, ये उस सॉफ्टवेयर का नाम है। चलिए इसको रीड करूँगा। तो अगर आप हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन का आंसर लिख रहे हो, तो दिस हाइपरवाइजर शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। ये वर्ड अगर तुम्हारे आंसर से मिसिंग है, तो तुम्हारा हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन के आंसर में कोई मतलब ही नहीं, बिकॉज यही वो मेन चीज है जिसकी वजह से वर्चुअलाइजेशन हार्डवेयर में पॉसिबल है, करेक्ट। तो उसको मैं रीड कर रहा हूँ एक बार आपके लिए। द हाइपरवाइजर कंट्रोल्स द प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर कॉम्पोनेंट्स बाय अलाउिंग सेवरल डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स टू रन ऑन द सेम मशीन विदाउट द नीड फॉर अ सोर्स कोड। मतलब आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं, ये हाइपरवाइजर को डाल दो, हाइपरवाइजर आपके जो हार्डवेयर है उसको लॉजिकली तीन पार्ट में डिवाइड करेगा। हाइपरवाइजर आपके आपके हार्डवेयर को लॉजिकल तीन पार्ट में डिवाइड करेगा, और हर एक पार्ट में एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बैठेगी। तो यूज़र को ऐसा फील आएगा कि भैया ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर तीन अलग अलग ये मशीन्स है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये एक ही मशीन है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। ये देखिए, The operating system running on the machine will appear to have its own processor, memory and other components. Linux वाला जब operating system use करोगे तो आपको लगेगा ये hardware Linux का है, जब iOS का use करोगे तो आपको लगेगा ये Apple वाला hardware है, जब आप Windows का use करोगे वो तो आपको आदत है ही use करने की related, लेकिन that is how the virtualization concept works. आपको दिमाग में बैठ रहा है कि virtualization का concept क्या होता है? तो ये था हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। सर वैसे ही होता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, ये वैसा ही होता है नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। सर कैसे? पहले रीड करेंगे फिर आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज अ मेथड ऑफ कंबाइनिंग द अवेलेबल रिसोर्सेस इन अ नेटवर्क बाय स्प्लिटिंग अप अवेलेबल बैंडविड्थ इनटू चैनल्स, ईच ऑफ विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अदर एंड ईच ऑफ विच कैन बी असाइंड टू अ पर्टिकुलर सर्विस और डिवाइस इन रियल टाइम। सर क्या समझे? सर ठेंगा कुछ नहीं समझे, आराम से देखो इधर, ये आपको ऑफिसेस में देखने मिल सकता है। अब इमेजिन करो आप जो है वो किसी बिग फोर के वहाँ पर ऑफिस में काम में लगते हो, लाइक यू गॉट आर्टिकल सीपी टू, KPMG, डेलॉइट, ये जो सारे हमारे बिग फोर है, PwC एंड EY, या फिर ग्रैंड थॉटन जो फिफ्थ लार्जेस्ट है, तो इनमें से किसी एक में आपको आर्टिकलशिप लगती है। अब वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होता है,
वहां पे क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होगा टैक्स वाला, एक डिपार्टमेंट होगा ऑडिट वाला, है ना, फिर एक डिपार्टमेंट होगा सिर्फ कंसल्टेंसी वाला, फाइन, एक डिपार्टमेंट होगा मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाला, ऐसे अलग अलग और भी कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ये मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया है ना। और आप जिस बिग फोर में आप काम कर रहे हो, उस बिग फोर का एक ही बड़ा सर्वर है, एक ही बड़ा सर्वर होता है, उसी सर्वर से हर डिपार्टमेंट के बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टेड है। लेट अस से फॉर एग्जांपल टैक्स डिपार्टमेंट में देर आर 5 कंप्यूटर्स, 1, 2, 3, 4, 5। ऑडिट डिपार्टमेंट में देर आर ओनली 2 कंप्यूटर्स, दिस इसको ए बी ऐसे नाम दे दो। कंसल्टिंग में 4 कंप्यूटर है, सी डी ई एंड एफ। और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में केवल एक ही कंप्यूटर है, दैट इज नोन एज जेड। तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग कंप्यूटर्स है और ये सारे के सारे एक ही सर्वर से जुड़े हुए। ये आपका कॉमन सर्वर, इसको बोलेंगे हम सेंट्रल सर्वर। कंपनी सेक्रेटरी नहीं, सीएस नहीं, सेंट्रल सर्वर। यहाँ पर सीएस में, कंप्यूटर की दुनिया में सीएस का मतलब होता है बेटे सेंट्रल सर्वर। तो ये सारे के सारे एक ही नेटवर्क के थ्रू जुड़े हुए उस सर्वर पर। अब देखिए कैसा काम होता है। अब अगर आपकी आर्टिकलशिप लगती है और आप टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और आप इस कंप्यूटर नंबर 2 पर बैठे हुए हो, तो आप जब अपने कंप्यूटर के माय नेटवर्क प्लेसेस में जाओगे, सर ये माय नेटवर्क प्लेसेस में कैसे जाते हैं, देखो बेटे जब आप जाओगे ना दिस पीसी में जाओगे या माय कंप्यूटर में जाओगे, वहां पर नीचे ऑप्शन होता है नेटवर्क। जैसे इस नेटवर्क पर क्लिक करेंगे तो अभी तो ये मेरा कंप्यूटर किसी लैंड में नहीं जुड़ा, इसलिए यहाँ पर कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, करेक्ट। लेकिन आपका कंप्यूटर जब आप उधर लेके जाओगे, आपके उस ऑफिस में लेके जाओगे, आपको यहाँ पर सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अभी इमेजिन करना आपने माय नेटवर्क प्लेसेस पर क्लिक किया है, और अब हम हमारे एग्जांपल पर वापस आते हैं। तो आपका कंप्यूटर, अरे पेन का चला गया, आपका कंप्यूटर कौन सा था, कंप्यूटर नंबर 2, साथ में रहना मेरे बीच, बिल्कुल बीच में छोड़ना नहीं आपने। कंप्यूटर नंबर 2 पर बैठे हो और आपने अपने कंप्यूटर नंबर 2 के नेटवर्क प्लेसेस पर क्लिक किया, वहां पर आपको कुछ कंप्यूटर दिखाई दे रहे, वहां पर आपको सेंट्रल सर्वर दिख रहा है, आपको कंप्यूटर नंबर 1, 3, 4 एंड 5 दिख रहा है, आपको ऑडिट डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा, कंसल्टेंसी नहीं दिख रहा, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी भी नहीं दिख रहा। मतलब आपके कंप्यूटर में आपको आपके डिपार्टमेंट के कंप्यूटर दिख रहे हैं और सेंट्रल सर्वर दिख रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि भैया अपना एक स्पेशल अलग नेटवर्क है। उसके बाद ऑडिट डिपार्टमेंट में कोई बच्चा अगर काम कर रहा है, और लेट अस से फॉर एग्जांपल कि यश इधर काम कर रहा है, यश का एक कंप्यूटर है कंप्यूटर ए, तो यश जब अपने कंप्यूटर ए के माय नेटवर्क प्लेसेस में क्लिक करेगा, उसको कंप्यूटर बी दिखाई देगा और सेंट्रल सर्वर दिखाई देगा। तो व्हाट यशो को लगेगा कि हमारा अपना एक सेपरेट नेटवर्क है। वैसे ही कंसल्टेंसी में होगा और वैसे ही मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में होगा। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी वाले को जब वो अपने जेड वाले कंप्यूटर के माय नेटवर्क प्लेसेस में देखेगा, उसको केवल सेंट्रल सर्वर ही दिखाई देगा, दूसरा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा है कि हमारा एक स्पेशल अलग कनेक्शन है सर्वर के साथ, लेकिन अगर आप सर्वर कंप्यूटर के माय नेटवर्क प्लेसेस में देखोगे तो आपको सारे डिपार्टमेंट के सारे कंप्यूटर एक साथ दिखाई देंगे। तो इन रियलिटी ये एक ही नेटवर्क है जो सब में क्या है, लॉजिकली इसको डिवाइड किया हुआ है। नेटवर्क तो एक ही है लेकिन उसको हमने लॉजिकली डिपार्टमेंट वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट का डेटा नहीं दिखाई देता। अब ये रीजन है, इसकी प्राइवेसी रीजन है, हम नहीं चाहते कि हमारे डिपार्टमेंट का डेटा किसी और को अवेलेबल हो जाए, बिकॉज कोई और उसका गलत फायदा ले सकता है, वॉट एवर मे बी द रीजन। बट दिस इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। है तो एक ही नेटवर्क लेकिन लॉजिकली आपको ऐसा लगता है कि ये 4 अलग अलग सेपरेट नेटवर्क है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन? अरे समझा क्या? Yes, sir. तो सारे बच्चे ये डायग्राम ड्रॉ कर लो नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का, कि हर डिपार्टमेंट को लग रहा है कि मेरा एक सेपरेट कनेक्शन है, बट इन रियलिटी एक ही कनेक्शन सब में लॉजिकल बेसिस पे डिवाइड किया हुआ। जो चीज नहीं है लेकिन लगती है कि वो है, उसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन। आई होप आप लोग स्टिकी नोट्स का यूज कर रहे हो, बिकॉज मैंने आपको बताया पहले ही, स्टिकी नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन और उसका एग्जांपल याद आने के लिए काम में आता है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। ऐसा ही होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ऐसा ही होता है स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। सर व्हाट इज अ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन?
देखिए इसको रीड करेंगे और समझेंगे. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन इज द अपेरेंट पुलिंग ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस इवन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस इनटू व्हाट अपीयर्स टू बी अ सिंगल डिवाइस दैट इज मैनेज फ्रॉम अ सेंट्रल कंसोल. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हेल्प्स द स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म द टास्क ऑफ बैकअप आर्काइविंग एंड रिकवरी मोर इजिली एंड इन लेस टाइम बाय डिस्गाइजिंग द एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क. सर क्या समझे? कुछ भी नहीं समझे, बताएंगे आपको. बड़ा ही सिंपल. स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का ये मतलब है कि हम एक ही स्टोरेज को अलग अलग लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सर ये आप प्रैक्टिकली रोज करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कहते हैं. मैं बता रहा हूँ आपको, जब एग्जाम्पल बताऊंगा ना आपको लगेगा अरे ये तो बचपन से कर रहे हैं अपन और रोज करते हैं लेकिन फिर भी अपने को पता नहीं कि इसको स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहते हैं. अब देखिए जरा, जब मैं अपने कंप्यूटर के माय पीसी में आता हूँ, मैं अपने कंप्यूटर के माय पीसी में आता हूँ तो आपको यहाँ पर एक ही डिस्क दिखाई दे रही है मेरे इसमें, दैट इज डिस्क सी, ड्राइव डी मतलब सी ड्राइव ही दिखाई दे रही है. लेकिन आपके कंप्यूटर में अभी, क्योंकि ये जो मेरा कंप्यूटर है थोड़े से अलग टाइप का है, इसमें मैंने SSD लगाया हुआ है तो मैंने इसके पार्ट्स नहीं करे, लेकिन आपके कंप्यूटर में आपको कितने ड्राइव दिखाई देते हैं? मिनिमम 2 से 3 ड्राइव दिखाई देते, नहीं देते? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, यस और नो? दिखाई देते, नहीं दिखाई देते? बट क्या आपने कभी ऐसा सोचा है यार मेरे कंप्यूटर में तो एक ही हार्ड डिस्क है, फिर ये 4 अलग अलग ड्राइव कैसे दिख रहा है? ये कभी मन में सवाल आया आपके कि भाई कंप्यूटर को खोल के देखना कभी कि यार अंदर तो एक ही हार्ड डिस्क है, फिर ये यहाँ पे 4 कैसे दिखा रहा है? सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव. तो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है. हार्डवेयर तो एक ही है, वो स्टोरेज डिवाइस एक ही है, लेकिन उसको लॉजिकल हमने 4 ड्राइव में डिवाइड किया. फिर आपको वहां पे दिखाई देता है ना इतने GB में से इतना GB फ्री है, यस और नो? यहाँ पर आपको दिखाने का ट्राई करेगा, थोड़ा सा जूम करके देखता हूँ मैं इफ इट्स पॉसिबल. चलिए ये देखिए, अगर मैं सी ड्राइव पर क्लिक करूंगा यहाँ पर और इसके प्रॉपर्टीज में चला जाऊंगा तो यहाँ पर वो दिखाता है कि टोटल इसकी कैपेसिटी है 237 GB की, उसमें से मेरी यूज स्पेस है 76 GB और यहाँ पर जो फ्री स्पेस है वो है 160 GB के आसपास. अब बोलोगे सर इतनी छोटी हार्ड ड्राइव की यूज़ कर रहे हो? बेटे मैं बिलीव करता हूँ कि अपना सारा डेटा क्लाउड पर होना चाहिए. तो मेरे कंप्यूटर का जो यहाँ पर आपको डेटा दिखता है इट इज़ जस्ट 1% ऑफ डेटा, बाकी अपना सारा डेटा तो क्लाउड पर है. क्यों? एनी टाइम एनी वेयर एक्सेसिबल. ये कंप्यूटर हो सकता है मेरे साथ आज है नहीं है, मैं ऑफिस में भूल गया, कहीं दूसरी जगह क्लास लेने चला गया, कंप्यूटर घर रह गया, तो फिर पढ़ाऊँ कैसे? तो क्लाउड से डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ाएंगे. तो इट्स बेटर टू कीप योर डेटा ऑन क्लाउड. तो आज का ज़माना तो यही कहता है कि अपने क्लाउड पर स्टोरेज रखना चाहिए, इसलिए मैंने फालतू में इसको डिवाइड भी नहीं करा कोई ड्राइव में यहाँ पर. लेकिन आपके कंप्यूटर में आपको दिखते हैं ना मिनिमम 2 से 3 से 4 ड्राइव तो आपको दिखाई देंगे, सी डी ई एफ, ये तो पॉपुलर ड्राइव है. सर इससे भी ऊपर हम ड्राइव बना सकते हैं क्या? यस, हम उसको टेक्निकली कहते हैं डिस्क फ्रैगमेंटेशन. व्हाट डू वी कॉल इट? डिस्क फ्रैगमेंटेशन. ठीक है, अच्छा बताइए क्या आपको लॉजिक समझ में आ रहा है? यस सर. यस, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. मैंने बोला था आपको बचपन से कर रहे हो आप, लेकिन आपको पता नहीं है कि इसको ये कहते हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन. सो ये है आपके 3 टाइप के वर्चुअलाइजेशन. एक हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर में वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाइपरवाइजर नेटवर्क का हमने आपको यहाँ पर एग्जांपल ये दिया, और स्टोरेज का तो आपका खुद का एग्जांपल है, करेक्ट? चलिए अब एग्जाम के एंगल से हद इंपॉर्टेंट आंसर है ये वाला, कई बार पूछा जा चुका है, हॉट फेवरेट फ्रॉम दिस पार्ट. What are the application areas of virtualization? ये virtualization का concept तो समझा, इसके कुछ types भी हमने देखे, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इस concept का use होता है? तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे server consolidation. Concept of server consolidation. Consolidation का मतलब क्या होता है? Advanced accounts में एक chapter आएगा आपको second group में. I guess आपका अभी तक हुआ है नहीं हुआ है, I don't know. आगे के वहाँ तक ही नहीं आया अभी तक. चैप्टर है आपके सेकंड ग्रुप के, इसमें कंसोलिडेशन. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कंसोलिडेशन? हिंदी मीनिंग पूछ रहा हूँ, कंबाइन करना, साथ में लाना, करेक्ट? तो सर्वर कंसोलिडेशन क्या होगा? क्या कोई ऐसी टेक्निक है? अभी इमेजिन करो, गूगल के एंगल से सोचो,
गूगल के पास कितने सर्वर होंगे? डेटा सेंटर नहीं, डेटा फार्म होंगे। आपको पता है एक डेटा फार्म कैसा दिखाई देता है? चलिए आपको फोटो दिखाने का ट्राई करेंगे, डेटा फार्म क्या होता है। डेटा सेंटर तो आपने नाम सुना होगा, लेकिन गूगल का डेटा फार्म सेंटर से काम नहीं चलता, बिकॉज है ही इतना सब कुछ उनके पास डेटा। तो यहां करेंगे डेटा फार्म, आपको इमेजेस बताने का ट्राई करेंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा फार्म। ये डेटा फार्म में बेटे, मतलब इट इज नॉट अ स्मॉल डेटा सेंटर। अगर आप देख रहे हो तो यहां पर ये जगह इतनी गहरी, अंदर इसमें आप घंटों घूम सकते हो और आपको पता नहीं चलेगा कौन सा सर्वर किधर क्या है। ऐसा कुछ आपने मूवीज में देखा होगा, लेकिन ये रियलिटी में गूगल के आपको ऑफिस में मिलेंगे, करेक्ट। तो इतने बड़े इनके लाखों करोड़ों सर्वर यहां पर पड़ा हुआ है। इन सर्वर को इंडिविजुअली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन से सर्वर में कौन सा डेटा है। इतना मैनेज करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। जरा देखिए इन फोटोज को, खतरनाक होता है डेटा फार्म। तो कैसे करें? तो वहां पर हम सर्वर कंसोलिडेशन का जो है कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। इमेजिन करो मेरे पास 1 लाख सर्वर है मैनेज करने के लिए। अब हर सर्वर को इंडिविजुअली मैनेज करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ जाए कि इन 1 लाख सर्वर को मैं 10,000 सर्वर में कन्वर्ट कर दूं, तो फिर देन मैनेजिंग 10,000 सर्वर इज मोर इजियर एज कंपेयर टू मैनेजिंग 1 लाख सर्वर। तो फिर इस केस में हम क्या करेंगे, वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। हम सारे जो है सर्वर को एक साथ जोड़ देंगे और उनको लॉजिकली 10,000 सर्वर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब हम उनमें ग्रुप गिरा देंगे। मतलब देखो, ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। आप जिस भी स्कूल में पढ़े हो, स्टैंडर्ड फर्स्ट से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक, आपके अलग अलग डिविजन होते थे, डिविजन ए बी सी डी ई, हाँ या ना? होते थे, नहीं होते थे डिविजन? ये डिविजन क्यों, होते थे मुझे बताइए, क्यों होते थे डिविजन? ये फॉर सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सभी को सेम एजुकेशन मिल रहा है, सभी को हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स आपका जो सोशल साइंसेस सब कुछ सेम सिलेबस है, लेकिन डिवीजन अलग अलग है। क्यों? बेटर मैनेजमेंट के लिए, बेटर मैनेजमेंट के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो सर्वर कंसोलिडेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि हम 1 लाख सर्वर को 10,000 सर्वर में कन्वर्ट करेंगे लॉजिकल। तो 1 लाख से अच्छा हम 10,000 को मैनेज करेंगे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में गिरा देंगे, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन। ये देखिए, वर्चुअल मशीन्स आर यूज टू कंसोलिडेट मेनी फिजिकल सर्वर इन टू फ्यूअर सर्वर्स। 1 लाख सर्वर को 10,000 सर्वर में कन्वर्ट किया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वर कंसोलिडेशन। तो ये मैनेजमेंट के लिए ईजी होता है। तो सर्वर कंसोलिडेशन एक एरिया है जहाँ पर हम वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। सर, वॉट इज द सेकेंड एरिया? सेकेंड एरिया इज डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी, अच्छा आपने वो मूवीज देखी होगी डिजास्टर वाली, 2012 वगैरह मूवी देखी होगी आपने, या गॉडजिला वाली मूवी देखी होगी आपने? अरे देखी नहीं, देखी ऐसी मूवीज? गॉडजिला देखी है। तो बेसिकली डिजास्टर क्या होता है, इमेजिन करो कि गूगल का या यूएस में वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन का कोई जो है धमाका विमाका हो जाए, या कोई वोल्केनो फट जाए, बहुत बड़ा जो है, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कोई ये नहीं है, बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि बहुत बड़ा जो है दिक्कत सी पैदा हो जाए, तो क्या करेंगे? इमेजिन करो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड ऑफिस है वो बॉम्बे में है, तो वहाँ पर अगर बहुत बड़ा कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, सुनामी आ गया, तो सब कुछ पानी वानी भर गया होगा अंदर, तो सारा उनका जो सिस्टम है अपने SBI का वो सब कुछ कोलैप्स हो जाएगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर। अब अगर ये पूरा की पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, तो सोचो SBI के कितने ब्रांचेस है इंडिया में, 4,000 से भी ऊपर ब्रांचेस है पूरे इंडिया में SBI के, और वो सारे के सारे 4,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस SBI के हेड ऑफिस के सर्वर से कनेक्टेड है, और इधर ही अगर पानी चला गया तो मतलब वो 4,000 ब्रांचेस का बिजनेस तो हवा में उड़ गया। तो फिर इस केस में हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे हम? इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेट साइट क्रिएट करेंगे। ये देखिए, ये होता है आपका मेन सर्वर, ये होता है आपका मेन सर्वर जो कि मुंबई में है। SBI ने क्या करा, एक ऑल्टरनेट साइट बनाई हैदराबाद में। ये आपका मेन सर्वर किधर है, मुंबई में है, नज़दीक है अपने को, और यहाँ पर ऑल्टरनेट सर्वर कहाँ बनाया इन्होंने, हैदराबाद में। हैदराबाद में एक और ऑल्टरनेट सर्वर लगा दिया, ऑल्टरनेट सर्वर। सारा मेन डेटा तो मेन सर्वर पे जाता है, 4,000 ब्रांचेस से जो भी डेटा इन अ डे जनरेट होता है। आप देखो कभी SBI में जाना, कितनी आपको भीड़ दिखाई देगी,
तो सोचो 4000 ब्रांचेस का कितना डेटा रोज का, ये टेराबाइट्स ऑफ रोज का डेटा जनरेट होता है, तो ये मेन सर्वर पे जनरेट होता है। उसके बाद एट द एंड ऑफ डे ये डेटा ट्रांसफर किया जाता है ऑल्टरनेट साइट पर। तो जैसा डेटा इधर है वैसा ही डेटा इधर है। अगर इधर 100 TB का डेटा है तो इधर भी एग्जैक्टली सिमिलर 100 TB का डेटा मेंटेन किया जाता है। सर ऐसा क्यों? इन केस ये सर्वर पर कोई डिजास्टर आ जाता है तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे नेटवर्क ऑपरेशंस को वर्चुअली यहाँ डाइवर्ट कर देंगे, सारे के सारे ब्रांचेस को वर्चुअली क्या करेंगे, इस सर्वर पर डाइवर्ट करेंगे। तो जो सारी की 4000 ब्रांचेस है या फिर जो SBI के कस्टमर है उनको ये ऐसा कोई फील नहीं होगा कि हम मेन सर्वर पर नहीं, हम किसी ऑल्टरनेट सर्वर पर काम कर रहे हैं। उनको वर्चुअली यही लगता रहेगा कि हम अभी भी मेन सर्वर को ही एक्सेस कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये मेन सर्वर से कहाँ आ चुके हैं, अब मुंबई से जाकर के डेटा कहाँ बैठ चुका है, हैदराबाद में। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर से रिकवर कैसे करोगे? डिजास्टर तो हो गया, अब क्या रोते बैठोगे? बिल्कुल रोएंगे नहीं सर। यहाँ से इमीडिएटली डेटा यहाँ पर जैसा डेटा उधर है वैसा के डेटा इधर ही है। वहाँ 100 TB तो यहाँ भी 100 TB, अगर उधर 200 TB है यहाँ भी 200 TB डेटा है। तो वो अगर सर्वर बंद पड़ गया तो हम क्या करेंगे, सारा नेटवर्क को इधर डाइवर्ट कर देंगे। तो ना कोई टेक्निकल आपको पता चलेगा, ना किसी ब्रांच का काम बंद होगा, और कस्टमर्स को तो भनक भी नहीं लगेगी कि हमारा जो मेन सर्वर है वो खराब हुआ है या क्या हो रहा है। तो वर्चुअली एवरीबडी विल फील दैट देर इज नो प्रॉब्लम विद SBI का मेन सर्वर, बट एक्चुअली मेन सर्वर इज डाउन, वी आर वर्किंग ऑन ऑल्टरनेट सर्वर। तो डिजास्टर रिकवरी के लिए भी हम वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। हम पढ़ क्या रहे आंसर EIS में बेटा, यही समझना जरूरी कि आप आंसर क्या पढ़ रहे हो। बच्चे लर्न तो कर लेते हैं लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो उनको यही समझ में नहीं आता कि हमको लिखना क्या है, पूछा क्या है। तो इतना जो आपको मैं बार बार हैमरिंग करके जो ये कॉन्सेप्ट समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये इसीलिए कर रहा हूँ बार बार कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं और इसका क्या मतलब है, ये कौन से डायरेक्शन में आपको आंसर लिखना है। कई बार ये ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आता एग्जाम में, ये आपको घुमा के पूछेंगे कि आप एक टेक्निकल कंसल्टेंट हो किसी बैंक के और किसी बैंक को डिजास्टर रिकवरी के रिलेटेड कुछ आपको सजेशन देना है, तो क्या दोगे आप सजेशन? आपके पूरे सिलेबस में डिजास्टर रिकवरी से रिलेटेड एक ही पॉइंट है, सर्वर, ये आपके वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में। और बच्चा सोचता है अरे डिजास्टर रिकवरी तो पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है, तो आपको लगता है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो ऐसा घुमा के पूछेंगे तो ये तभी आप क्रैक कर पाओगे जब आपको ये समझ में आता है कि हम कौन सा आंसर क्यों पढ़ रहे हैं। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजास्टर रिकवरी। आगे कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, चलिए देखेंगे। वर्चुअलाइजेशन कैन गिव रूट एक्सेस टू वर्चुअल मशीन, दिस कैन बी वेरी यूजफुल सच एज कर्नल डेवलपमेंट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेस। अभी सर ये कर्नल डेवलपमेंट क्या होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम कोर्सेज क्या होता है, बेटा अगर मैं इसको समझाने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप अभी के लिए केवल इन टेक्निकल वर्ड्स को याद रखिए कि टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग का ये मतलब होता है कि अगर आपने कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया है, जैसे अगर आप एक लिनक्स कंप्यूटर में काम करते हो या विंडोज़ के किसी हार्डकोर एरिया में जाकर काम कर रहे हो और उसको आपको टेस्ट करवाना है और आपके पास वो कैपेसिटी नहीं है, तो आप अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को दे सकते हो, अपने कंप्यूटर का एक्सेस किसी और को दे सकते हो और वो वर्चुअली आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाएगा और उसको ऐसा फील होगा कि वो कंप्यूटर को सीधा अपने घर बैठे एक्सेस कर रहा है, बट एक्चुअली वो तो कहीं और बैठा है, उसने दूसरे कंप्यूटर से आपके कंप्यूटर को एक्सेस किया है, लेकिन ही विल फील दैट दैट कंप्यूटर इज इन फ्रंट ऑफ हिम और उसको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। कर्नल डेवलपमेंट क्या होता है सर? बेटा ये ऑपरेटिंग सिस्टम का वो क्रूशियल पार्ट है जिसके ऊपर आपकी मेन कोडिंग की जाती है। अभी के लिए आप इतना ही समझिए बिकॉज इतना ही आपके सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है। इसके ज़्यादा डीप में जाएंगे तो हम अननेसेसरी अदर एरिया के डिस्कशन में निकल जाएंगे। अभी के लिए आप समझिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का वो एक मेन एरिया है जहाँ पर आपका मेन कोडिंग होता है, उसको कहते हैं कर्नल डेवलपमेंट। तो टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग के लिए भी हम वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। पोर्टेबल एप्लीकेशन, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है कौन बताएगा? पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? अरे बताओ, इजीली ट्रांसफरेबल, मतलब जो मूवेबल है बहुत ज्यादा जल्दी, आपको एक जगह फिक्स रहने की जरूरत नहीं। जैसे आपका ये मोबाइल जो है ये पोर्टेबल है, हम इसको कहीं भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, इज इट पोर्टेबल? इज इट पोर्टेबल? इट इज नॉट पोर्टेबल। लैपटॉप इज पोर्टेबल। तो एप्लीकेशन कैसे पोर्टेबल बनेगा? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी। देखिए
पोर्टेबल एप्लीकेशंस आर नीडेड व्हेन रनिंग एन एप्लीकेशन फ्रॉम अ रिमूवेबल ड्राइव विदाउट इंस्टॉलिंग इट ऑन द सिस्टम्स मेन डिस्क ड्राइव. वर्चुअलाइजेशन कैन बी यूज्ड टू इनकैप्सुलेट द एप्लीकेशन विद अ रीडायरेक्शन लेयर दैट स्टोर टेम्पररी फाइल्स विंडोज रजिस्ट्री एंट्रीज एंड अदर स्टेट इन्फॉर्मेशन इन एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन डिरेक्टरी एंड नॉट विद इन द सिस्टम्स परमानेंट फाइल या इन द नॉट फाइल सिस्टम. सर इसका क्या मतलब है? ठेंगा कुछ भी नहीं समझा सर. क्या विंडोज रजिस्ट्री, क्या ये परमानेंट फाइल और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है. सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ. अब इमेजिन कीजिए आप जब सीए बन जाओगे, इमेजिन कि आप तो बनने ही वाले हो सीए. आप जब सीए बन जाओगे तो अभी देखो ये सब चल रहा है जीएसटी और ये नई नई एक्ट्स वगैरह आ रही है. ओके, अब जीएसटी के लिए कैलकुलेशन करने के लिए, उसका रिटर्न विटर्न फाइल करने के लिए नॉर्मली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है. नॉर्मली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है. अब जब कभी भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कहाँ पर इंस्टॉल होता है बता सकते हो आप? जब कभी भी कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो आपके कंप्यूटर में, वो बाय डिफॉल्ट कहाँ पर इंस्टॉल होता है? नहीं बेटे, वो मैं डाउनलोड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंस्टॉलेशन की बात कर रहा हूँ. वो इंस्टॉल होता है आपके सी ड्राइव में. वो इंस्टॉल कहाँ होता है? आपके सी ड्राइव में. तो ये जो आपकी सी ड्राइव है दैट इज बेसिकली आपके विंडोज की रजिस्ट्री, मतलब इट इज द बाय डिफॉल्ट पाथ जहाँ पे आपके सारे सॉफ्टवेयर जो है बेटा इंस्टॉल होने वाले. लेट अस से फॉर एग्जांपल आपको कोई फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग का कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन आपने डाउनलोड करा, तो इस पर डबल क्लिक करके आप इंस्टॉल करते हो. मुझे बताइए यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा है कि जिसने अपने जिंदगी में कभी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया है? इज देयर एनीवन हु हैज नेवर इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इन हिज कंप्यूटर? अगर है तो एक बार हाथ उठा दो. रेज योर हैंड इफ यू हैव नेवर इंस्टॉल्ड अ सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर. अच्छा, नाउ रेज योर हैंड इफ यू हैव इंस्टॉल्ड एटलीस्ट वन सॉफ्टवेयर इन योर लाइफ टाइम इन योर कंप्यूटर. कभी तो कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया होगा. यश ने किया है. ओके, सम पीपल आर नाउ रेजिंग हैंड्स. यश ने किया, प्रसाद ने करा है, तनिष्क ने करा है, कोमल इज नाउ ऑल्सो रेजिंग हैंड. बाकी बच्चों ने नहीं करा. विशाखा कासलीवाल जी, आपसे सवाल है मेरा, आपने क्या कभी कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, आपने कभी किया है कि नहीं किया है? कभी नहीं करा आपने? नेवर एवर? बहुत बढ़िया यार. ऐसे बहुत कम, रेयरली ऐसा कोई मिलता है कि जो कि भाई इनको एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी. तो जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बेचा इंस्टॉल करते हो कंप्यूटर में, तो वो बाय डिफॉल्ट आपके सी ड्राइव में इंस्टॉल होता है. तो वो सॉफ्टवेयर पोर्टेबल नहीं हुआ, मतलब अब जो सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट है वो आपके सी ड्राइव में है, तो वो सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं चला सकते. वो सॉफ्टवेयर आप किसी दूसरे कंप्यूटर में नहीं चला सकते. लेकिन ये तो दिक्कत वाली बात होगी ना, जब हम कंप्यूटर को ही पोर्टेबल कर सकते हैं तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि मुझे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में बिना इंस्टॉल किए मैं उसको यूज़ करूं, और जब मेरे को नहीं चाहिए मैं उस सॉफ्टवेयर को निकाल के किसी दूसरे कंप्यूटर में फिट करूंगा, वहां भी वो सॉफ्टवेयर रन हो जाएगा? क्या ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? नॉर्मली ऐसा टेक्नोलॉजी आपने गेम्स में देखा होगा. गेम्स की सीडी आती थी, देखिए पहले बचपन में आप अगर आपने गेम्स खेलोगे तो गेम्स की सीडी आती थी. वो सीडी कहीं भी लगा दो वो गेम वहां पर चल जाएगा. लेकिन अब वो गेम से निकलकर एप्लीकेशंस में भी आ चुका है. तो जब आप सीए बन जाओगे, कोई भी जीएसटी का सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करते हो, तो नॉर्मली आजकल ऐसा एक ऑप्शन आपको मिलता है कि आपको कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है या आपको एक पेन ड्राइव प्रोवाइड कर देंगे. तो वो जो पेन ड्राइव है उस पेन ड्राइव में वो सॉफ्टवेयर रहेगा और उसकी मेन फाइल रहेगी. तो वो जो पेन ड्राइव जिस किसी कंप्यूटर में आप लगाओगे, उस कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर स्मूथली चल जाएगा विदाउट द नीड ऑफ इंस्टॉलेशन इन दैट कंप्यूटर. आपने मेरे कंप्यूटर में लगाया, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा. आपने आपके कंप्यूटर में लगाया, उधर भी सॉफ्टवेयर चल जाएगा. आपने अपने क्लाइंट प्लेस पर जाकर काम कर रहे, उधर पेनड्राइव लगा दिया, तो उधर भी वो सॉफ्टवेयर चल जाएगा. तो अब आपको एक डिवाइस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है. जैसे डिवाइस पोर्टेबल है वैसे आपके एप्लीकेशन भी पोर्टेबल बन जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस एग्जाम्पल? तो यहाँ पर ऐसा आप लिख लो एग्जाम्पल, जीएसटी पोर्टेबल एप्लीकेशन या जीएसटी का पोर्टेबल सॉफ्टवेयर. वर्चुअलाइजेशन है इसीलिए पॉसिबल है. अगर वर्चुअलाइजेशन नहीं होता तो ये जीएसटी का सॉफ्टवेयर आपको आपके कंप्यूटर में ही इंस्टॉल करना पड़ता. फिर क्या,
फिर क्लाइंट पेज पे जाना है तो फिर कंप्यूटर साथ में लेके जाओ, मेरे वहाँ पे आना है तो फिर कंप्यूटर लेके आओ, ऑफिस में जाना है तो फिर कंप्यूटर लेके जाओ। अब केवल इतने बड़े कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा पेन ड्राइव अपनी जेब में डालो, क्लाइंट प्लेस पे गए, कंप्यूटर उसका ऑन किया, अपना पेन ड्राइव लगाया और अपना उधर काम हो रहा है सॉफ्टवेयर में, आपको हर जगह उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबल एप्लीकेशन। एंड सर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबल वर्क स्पेसेस? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोर्टेबल वर्क स्पेसेस? आई नो दिस इज गेटिंग अ बिट टेक्निकल बेटा, बट क्या करें ये है ही ऐसा, तो आपको बताना पड़ेगा। पोर्टेबल वर्क स्पेसेस, ओ इधर थोड़ा सा स्पेलिंग ऊपर नीचे हो गया है, दिस इज के। पोर्टेबल वर्क स्पेसेस क्या है? रीसेंट टेक्नोलॉजीज हैव यूज्ड वर्चुअलाइजेशन टू क्रिएट पोर्टेबल वर्क स्पेसेस ऑन डिवाइसेस लाइक आईपॉड्स एंड यूएसबी मेमोरी स्टिक्स। अच्छा, आपको या आपने कभी ऐसा देखा है कि आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम एक छोटी सी पेन ड्राइव में भी आ जाएगी? कभी आपने ऐसा देखा है कि आपका विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेन ड्राइव में है? कहाँ देखा है आपने ऐसे? कौन जो जो बच्चा यस बोला मुझे प्लीज एक्सप्लेन करे, कहाँ पर आपने ऐसा देखा है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेनड्राइव में है? राइट, देखिए बहुत बार क्या होगा, ये थोड़ा सा कभी आपको एक्सपीरियंस आया होगा कि आपके कंप्यूटर जो है वो क्रैश हो जाता है, आपका विंडोज़ क्रैश हो जाता है, फिर आप आपके कंप्यूटर वाले को बुलाते हो, वो कंप्यूटर वाले कोई तो पेन ड्राइव लेके आता है और वो पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर को जोड़ता है। उसके पहले आपने खुद ने कंप्यूटर को चालू करके देखा, पावर ऑन ऑफ किया, थोड़ा सा वो सीपीयू को जाके ठोका आपने, फिर भी कोई मज़ा नहीं आया, कंप्यूटर चालू ही नहीं हुआ, और वहाँ पे आ रहा था कि कुछ तो बूट में प्रॉब्लम हो रहा है, कंप्यूटर बूट ही नहीं हो पा रहा है। बूट होना मतलब स्टार्ट होना, बूट मतलब वो नहीं जो हम पहनते, बूट यहाँ पे मतलब है कंप्यूटर को स्टार्ट होना। तो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए आपके विंडोज़ के फाइल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो आपकी मेन विंडोज़ की फाइल ही करप्ट हो चुकी है, इसलिए आपका कंप्यूटर चालू ही नहीं होता। फिर आप बोलते हो यार ये पता नहीं कुछ यार कंप्यूटर क्रैश हो गया। बेसिकली कंप्यूटर क्रैश होना मतलब क्या, आपके विंडोज़ का मेन फाइल करप्ट हो जाता है, तो कंप्यूटर तो चालू नहीं होगा बिल्कुल, बिकॉज उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज़ करे, वो करप्ट हो चुका है। तो फिर इस केस में क्या करेंगे, कंप्यूटर वाला आता है, वो कोई पेन ड्राइव लेता है और वो पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर को जोड़ता है और अचानक से आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। आपको ऐसा लगता है अरे 2 मिनट पहले तो स्टार्ट नहीं हो रहा था और ये अचानक कैसे स्टार्ट हो गया? तो मैं बताता हूँ उसके पीछे का लॉजिक क्या है। आपके कंप्यूटर में जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम थी वो मेन फाइल तो करप्ट हो चुकी है, लेकिन वो जो कंप्यूटर वाला पेन ड्राइव लेके आया है उस पेन ड्राइव में एक प्रॉपर वर्केबल फाइल है विंडोज़ की, और आपके कंप्यूटर ने उस पेन ड्राइव से ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके फिर वो कंप्यूटर चालू हुआ है वहाँ पे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो जैसे एप्लीकेशन जो है वो पोर्टेबल है, वैसे आजकल आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम भी पोर्टेबल हो सकती है। लिखा है वहाँ पर यूएसबी मेमोरी स्टिक्स, मतलब सिंपल भाषा में अपना पेन ड्राइव, पेन ड्राइव को हम यूएसबी कहते हैं, करेक्ट? सो इस तरीके से वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि जहाँ पर हमको एक डिवाइस पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, आराम से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन? सर्वर कंसोलिडेशन, ये क्या हो रहा है, कोई बच्चा आ रहा है जा रहा है, शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है। सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशन एंड पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। सर एग्जाम में कितने मार्क को आएगा? सर एग्जाम में ये 4 मार्क को क्वेश्चन आएगा। सर कितना आंसर एक्सपेक्टेड? बेटा पूरा लिखो, पूरा लिखो, है ही इसके 6 पॉइंट्स, तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है उससे आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आना है, टू बी ऑन अ सेफर साइड। नहीं सर हम तो 4 ही लिख के आएंगे, 4 मार्क है ना, 4 ही लिख के आएंगे। तो अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल का है, आप थोड़े से जीनियस हो, तो आप वैसा ट्राई करके देख सकते हो, बट नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए इट्स एडवाइजेबल कि आप 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिख के आओ एग्जाम में सेफ रहने के लिए, और अगर एक पॉइंट गलत भी हो गया तो दूसरा कंसिडर करके उसको मार्क्स दिया जाएगा। दैट इज वॉट इज आर इंटेंशन इज। तो वट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन? सर्वर कंसोलिडेशन, डिजास्टर रिकवरी, टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग, पोर्टेबल एप्लीकेशंस एंड पोर्टेबल वर्क स्पेसेस। तो भैया यहां पर जो है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट खत्म होता है कि दिस इज व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। अगर आपको याद है तो मैंने आपको सिलेबस के स्टार्टिंग में बताया था कि टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है ये आपके जिंदगी में थोड़ा सा लेट आया है, तो कभी कभी डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है, बट बिलीव मी
बार 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 रीड करने से चीज़ें आसान हो जाती है। डेबिट क्रेडिट और डेप्रिसिएशन पहले दिन बड़ा भयानक लगा था, फिर अब लगता है क्या भयानक? बिल्कुल नहीं। इमेजिन करना आपके फाउंडेशन आई मीन फाउंडेशन का या सीपीटी का या आपका डेप्रिसिएशन के जब फर्स्ट टाइम पाला पड़ा था, समझा ही नहीं था ये डेप्रिसिएशन क्यों लगाते हैं, कैसे कैलकुलेट होता है ये साला, मतलब ये एसएलएम मेथड क्या है, डब्ल्यूडीवी मेथड क्या है, ये पहले समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन आज वो दिक्कत आती है क्या? नहीं आती है, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके माइंड में उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो डोंट वरी, एग्जामिनेशन तक और हम जब बार 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 चीज़ों को रिवाइज करेंगे, इन कॉन्सेप्ट की भी एक्सेप्टेबिलिटी आपको धीरे धीरे आ जाएगी। इट्स बीइंग योर फर्स्ट टाइम दैट यू आर डूइंग ऑल दिस, इससे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल आपको लग सकता है, बट धीरे धीरे हो जाएगा, डोंट वरी। सो दीज आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ वर्चुअलाइजेशन। हाँ भैया, अगला कॉन्सेप्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। लेट अस फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। कभी सुना है आपने ग्रिड कंप्यूटिंग के बारे में? हैज एनी वन हर्ड एनी थिंग अबाउट ग्रिड कंप्यूटिंग? किसी बच्चे ने यूज किया है ग्रिड कंप्यूटिंग का? है कोई यहाँ पर जिसने ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ किया है? चलिए हम पूछेंगे कि बच्चे से। युक्ता महाजन, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या आपने ग्रिड कंप्यूटिंग का बेटे कभी यूज़ किया है? हैव यू एवर यूज ग्रिड कंप्यूटिंग? युक्ता जी, आप यहाँ हो या नहीं हो? नहीं किया है। ओके। कुणाल माली, कुणाल भैया बताओ, कभी ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज किए हो या नहीं किए हो, या कभी सुना है आपने इसके बारे में? नहीं सर, नहीं किया है। अच्छा, क्लाउड का यूज किया है आपने? हाँ सर, क्लाउड का तो सभी ने किया है। श्रुति, आपने कभी यूज किया है ग्रिड कंप्यूटिंग का? ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने शायद यूज किया होगा ग्रिड कंप्यूटिंग का? मतलब यहाँ पर किसी बच्चे ने ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज नहीं किया है। ये नहीं किया है बिकॉज नाउ डेज ये इसका कोई यूज नहीं होता। नाउ डेज इसका कोई यूज नहीं होता। अब देखिए, ग्रिड कंप्यूटिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग का रिश्ता बताऊंगा। ग्रिड कंप्यूटिंग पापा है, क्लाउड कंप्यूटिंग उनका बच्चा है। फिर से, ग्रिड कंप्यूटिंग ये पापा है और क्लाउड कंप्यूटिंग उनका बच्चा है। तो पापा एडवांस होंगे कि बच्चा एडवांस होता है? कौन एडवांस होता है ज्यादा? बच्चा एडवांस होता है। तो हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कि ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे? एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करें। इसलिए आपको रियल दुनिया में, आज के दुनिया में कहीं भी ग्रिड कंप्यूटिंग यूज नहीं दिखाई देता। लेकिन अब जब हम इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, अब बोलोगे सर फिर हमारे सिलेबस में क्यों है? अब बेटा ये तो आईसीआई जाने, मुझे भी लॉजिकली लगता है कि आपके सिलेबस में एज सच ग्रिड का कोई यूज नहीं है, बिकॉज आज की दुनिया में इसका यूज बहुत ही रेयरली खत्म होते जा रहा है। मतलब ना अब ये ऑब्सोलेसेंस में जा रहा है धीरे धीरे, बिकॉज अब हमारे पास क्लाउड है। पापा का एज खत्म हो रहा है, बच्चे का एज आ रहा है, अभी दौर बदल रहा है, लेकिन आपका सिलेबस नहीं बदल रहा। चलिए कोई बात नहीं। ग्रिड कंप्यूटिंग जब हम पढ़ेंगे तो आपको कुछ समय के लिए अज्यूम करना है कि देर इज नो क्लाउड कंप्यूटिंग। ग्रिड कंप्यूटिंग जब हम पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा टाइम में पीछे जाएंगे, आपको अज्यूम करना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। बिकॉज जब हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा बार बार लगेगा, अरे यार इसकी क्या जरूरत है जब हमारे पास क्लाउड है, अरे यार ये क्यों कर रहे जब हमारे पास क्लाउड है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि क्लाउड को थोड़ा सा बाजू में रखो। जब हम पापा पे फोकस करेंगे तो बच्चे पे फोकस नहीं करना, और जब बच्चे पे फोकस करेंगे तो मैंने पापा की बात ही नहीं करी थी, बिकॉज दिस टू कॉन्सेप्ट आर कनेक्टेड। पहले हमने एडवांस को समझ लिया बिकॉज हम रोज यूज करते हैं, अब हम पापा को समझेंगे जो पहले पहले के ज़माने में ओल्ड थिंकिंग। तो ये थोड़ा जनरेशन गैप जो है ये रहेगा यहाँ पर। चलिए, तो थोड़ा सा आप क्या करो, क्लाउड कंप्यूटिंग का थोड़ा अपने दिमाग से थोड़ा बाहर निकालो। लेट अस अज्यूम दैट दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। तो जब दुनिया में क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं था, तब दुनिया में क्या था? ग्रिड कंप्यूटिंग था। तो यहां हम पापा की बात करेंगे, ग्रिड कंप्यूटिंग। तो इधर मैं लिख दूं इसके लिए, और आप भी ऐसे लिख दो, पापा ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, पापा ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। भैया ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है, पापा ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। अब इमेजिन करेंगे एक सिचुएशन, और अज्यूम के आपको अजम्पशन लेना पड़ेगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग दुनिया में नहीं है, तभी ग्रिड कंप्यूटिंग का इंपॉर्टेंस समझ में आएगा। अब चलिए, नाउ लेट अस हैव अ सिचुएशन, नाउ लेट अस क्रिएट एन एग्जांपल। अब इमेजिन करो कि मैं सीए नहीं हूं, इमेजिन करो
कि मैं सी ए नहीं हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं बहुत बड़ा ऐसा डॉक्टर हूँ जो कोरोना वायरस पे जो है रिसर्च चल रही है, और अभी तक भी अगर आप देखो तो वैक्सीन्स वगैरह है लेकिन पूरा कंप्लीट इलाज आज भी मौजूद नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ, आई एम इन टू आर एन डी। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम है आर एन डी करना, आर एन डी ऑन कोविड, मैं इस पर पूरा आर एन डी करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए एक ऐसा टैबलेट बनाना चाहता हूँ, जो वैक्सीन है वो तो अभी लिक्विड फॉर्म में है और वो भी पूरा 100% अभी काम नहीं कर रहा है, ठीक है, दो डोज आपने लिए लेकिन उसका असर केवल 6 महीनों तक है, 6 महीने के बाद क्या करेंगे किसी को पता नहीं। तो मैं आर एन डी में लगा हूँ कोविड के, और मुझे एक ऐसा कुछ जड़ी बूटी बनानी है या कुछ ऐसा एक दवाई बनानी है जो पूरी गुणकारी हो और आपको 100% इम्यून कर दे कोरोना वायरस से, ऐसा हो सकता है। इसके लिए चल रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और वो कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं दुनिया का सबसे भारी डॉक्टर हूँ ऐसा अज्यूम कर रहा है आपको, ठीक है, और इसकी रिसर्च चल रही है यहाँ पर। अब अगर मुझे COVID-19 जैसे ये कॉम्प्लेक्स टॉपिक पर जो कि ग्लोबल लेवल पर इसने तबाही मचाई हुई है इसका रिसर्च करना है, तो केवल मेरे सिटी के पेशेंट्स का डेटा से मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि सारे पूरे वर्ल्ड का डेटा लगेगा मेरे को, क्या लग रहा है आपको, व्हाट शुड आई डू, शुड आई जस्ट ऑब्जर्व पीपल इन माय सिटी और शुड आई ऑब्जर्व पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कितने बच्चे बोल रहे कि सर पूरी दुनिया के आपको डेटा देखना चाहिए जब आप इतना बड़ा रिसर्च कर रहे हो, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट आई शुड लुक अपॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेज योर हैंड्स। सिद्धि को लग रहा है कि सर आपने पूरी दुनिया की डेटा को देखना चाहिए, वैष्णवी को वैसा ही लग रहा है, ऐश्वर्या को वैसे ही लग रहा है, युक्ता को सेम लग रहा है, अदिति इज ऑल्सो सेइंग, प्रतीक्षा इज ऑल्सो सेइंग, श्रुति भी ऐसे लग रहा है, क्या बात है, वुमेन एम्पावरमेंट दिख रहा है यहाँ पर। बाकी बच्चों को लग रहा है कि सर आप सिटी के जो है वो पेशेंट्स को देख लो उससे चल जाएगा, तो बेटा द फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, दैट इज हमको पूरी दुनिया के डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा, बिकॉज कोविड हो सकता है ना कि इंडिया में कम पैमाने पर हो सकता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हो, कहीं और उसका ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है, बिकॉज ये एक ऐसा डिजीज है जिसका बहुत ज़्यादा वेरिएशन बॉडी टू बॉडी डिपेंड कर रहा है। आपके फैमिली में अगर किसी को कोविड हो गया है और आपको भी अगर हुआ है तो आपके सिम्टम्स में और उनके सिम्टम्स में फ़र्क है, मतलब हमको केवल 1, 10, 15 पूरी इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के डेटा को जो है वो इकट्ठा बैठ के फिर रिसर्च करेंगे तब जाके कुछ समझ में आएगा। तो टास्क कैसी है, कॉम्प्लेक्स है, आरएनडी का टास्क ऑन COVID-19 इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क, इट्स नॉट ईजी, इतना सारा डेटा लगेगा। अब इतना सारा अगर डेटा लगेगा तो क्या मेरे छोटे मोटे प्यारे दुलारे लैपटॉप से इस काम को मैं कर सकता हूँ क्या, इसकी कैपेसिटी है क्या इतनी। अभी आपको जो सब कुछ दिख रहा है ये मेरा लैपटॉप है, जरा देखिए इस लैपटॉप की हालत, इसका मेमोरी कितना है आपने देख लिया, 267 GB, इसमें कौन सा इंटेल का क्या लगा हुआ है, कोर i5 लगा हुआ है 10th generation का, क्या इससे काम हो जाएगा मेरा या मुझे और बड़ा कंप्यूटर लगेगा, क्या लग रहा है आपको, और बड़ा कंप्यूटर लगेगा, बिकॉज जब पूरी दुनिया का डेटा मुझे एक तो स्टोर करना है और उसको प्रोसेस भी करना है, तो ये जो मेरा प्यारा दुलारा लाडला कंप्यूटर है ये इसको इतना प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा, तो मैं क्या करूँ, मेरे पास दो तरीके, नो आई हैव टू वे आउट, एक तो मैं एक सुपर कंप्यूटर परचेज कर लूँ जिससे कि पूरे डेटा को मैं एक साथ स्टोर भी कर सकूँ और उसको प्रोसेस भी कर सकूँ। इतना बड़ा डेटा अगर आपको प्रोसेस और स्टोर करना है तो बेटा आपको एक सुपर कंप्यूटर ही लगेगा, तो मेरे पास दो तरीके, फर्स्ट आई विल गो एंड परचेज इट, वेरी सिंपल, बाजार में गए भैया एक सुपर कंप्यूटर देना जरा, ऐसा मिलता है क्या बाजारों में सुपर कंप्यूटर, नहीं। दूसरा तरीका है मैं क्या करूँगा, मैं एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करूँगा, मेक यूज ऑफ एग्जिस्टिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, देखना बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ग्रिड कंप्यूटिंग। अब परचेज का ऑप्शन तो भैया अपन मारवाड़ी लोग हैं, मतलब मैं तो मारवाड़ी हूँ और मैं कंजूस हूँ, मैं बोला यार पैसे कौन खर्च करेगा यार, इतना सुपर कंप्यूटर कौन परचेज करेगा है, मतलब पूरी ज़िंदगी जो कुछ कमाया वो एक कंप्यूटर में डाल दिया, भैया कुछ जम नहीं रहा, ये मज़ा नहीं आ रहा इसमें, तो क्या करें सर, हम कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर्स हैं, इमेजिन अब मैं तो डॉक्टर हूँ ना, तो दुनिया भर में जितने भी डॉक्टर है उनके उनके कंप्यूटर में उनके उनके पेशेंट्स के डेटा होंगे, उनके उनके कंप्यूटर में उनके उनके पेशेंट्स के डेटा होंगे,
तो क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि जिससे कि मैं उनके सारे कंप्यूटर को अपने सेंट्रल कंप्यूटर से कनेक्ट करूं और यहां पर बैठे बैठे मैं उनके डेटा को एक्सेस करूं? मतलब डेटा स्टोर उधर है लेकिन प्रोसेसिंग मैं यहां पर करूंगा। क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि उसकी हार्ड डिस्क पूरी मेरी हो जाए, उसका पूरा प्रोसेसिंग पावर मेरा हो जाए, उसके कंप्यूटर पे जो प्रिंटर लगा है वो भी मेरे कंट्रोल में आ जाए? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है? और उसी टेक्नोलॉजी का नाम है ग्रिड कंप्यूटिंग। मैं फिर से कह रहा हूं, इमेजिन करना क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। तब दुनिया में जिस टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ, इन्वेंशन हुआ, वो टेक्नोलॉजी थी टेक्नोलॉजी आपकी ग्रिड कंप्यूटिंग की। तो बेसिकली ग्रिड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट कब यूज किया जाता है? जब आपको ऐसा बड़ा टास्क करना हो जहां पे बहुत बड़ा डेटा है और उसका एक साथ स्टोरेज भी करना है और उसका प्रोसेसिंग भी करना है, तो एक कंप्यूटर से काम नहीं होता। या तो आप एक सुपर कंप्यूटर परचेज कर लो, या क्या करो, जो एग्जिस्टिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कनेक्ट कर दो एक दूसरे से, और एक ही कंप्यूटर पर सारा डेटा आएगा, सभी की प्रोसेसिंग पावर आ जाएगी, सभी का स्टोरेज मेरे को जुड़ जाएगा, सभी का जो कुछ फैसिलिटीज है वो सब कुछ मेरे कंप्यूटर में आ जाएगी। सर क्या ऐसा पॉसिबल है? येस इट इज़ पॉसिबल, एंड इट इज़ पॉसिबल अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। तो अगर आप उस डायग्राम को देख रहे हो तो आपको बीच में एक कंप्यूटर दिख रहा है और उसको वैसे ही अलग अलग कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, और वो जोड़ने वाला जो काम है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड नेटवर्क। ये जो आपको लाइंस यहाँ पर दिखती है इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड नेटवर्क, ग्रिड नेटवर्क। और ये अपना सेंट्रल कंप्यूटर है, और ये जो दूसरे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, यहाँ पर शायद ये कट गया है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रिड नोड, ग्रिड का नोड कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और ये जो सेंट्रल कंप्यूटर है ना, इस पर हम एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे, उस सॉफ्टवेयर का नाम है ग्रिड सॉफ्टवेयर। क्या नाम है उसका? ग्रिड सॉफ्टवेयर। ये ग्रिड सॉफ्टवेयर की मदद से हम दूसरे कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर में जोड़ेंगे। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, फॉरगेट अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, देर इज नो क्लाउड कंप्यूटिंग इन दिस वर्ल्ड। नाउ व्हाट इज द ऑप्शन अवेलेबल? एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। इसीलिए मैंने बोला ग्रिड कंप्यूटिंग पापा है, फिर उनका एडवांस वर्जन है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। बताइए आपको क्या एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, व्हाई, व्हेन एंड वेयर इट इज यूज? तो बेसिकली इमेजिन करना, मेरा ये जो लैपटॉप है इसका अभी जो प्रोसेसर है ना, वो प्रोसेसर कितना है? i5 प्रोसेसर, i5 10th generation। अब मैंने जब अपने इस कंप्यूटर को बाकी सारे कंप्यूटर से जोड़ लिया तो उनका जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेरे कंप्यूटर में आ जाएगा। उनका जो प्रोसेसिंग पावर है दैट इज पॉसिबल इन ग्रिड कंप्यूटिंग। आप उनकी पावर को अपने जगह यहाँ पर वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा जो कोर i5 था, हो सकता है ये i1000 में कन्वर्ट हो जाए, कोर i1000 में कन्वर्ट हो जाए। तो इमेजिन करो कितनी बड़ी प्रोसेसिंग पावर बन जाएगी मेरे कंप्यूटर की, इसी एक कंप्यूटर की इतनी प्रोसेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ये i5 से i1000 पे चला जाएगा। क्यों? 1000 कंप्यूटर हमने जोड़ दिए एक साथ और उनकी प्रोसेसिंग पावर पैरेलली मेरे कंप्यूटर के साथ यूज़ हो रही है। तो जाने अनजाने में मेरा ये प्यारा दुराला लाडला छोटा सा कंप्यूटर एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बन गया है। ये छोटा सा कंप्यूटर क्या बन गया है? एक वर्चुअल सुपर कंप्यूटर बन गया है। और ये तभी पॉसिबल है जब हम यूज करते कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ग्रिड कंप्यूटिंग जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। सेकंड, इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारा टाइम जाता है, आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपका ये जो ग्रिड सॉफ्टवेयर है इसकी एक एक कॉपी हर एक कंप्यूटर पे भेजनी पड़ेगी, वहां पे उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और फिर उस सॉफ्टवेयर की मदद से उनके सारे रिसोर्सेज को आप एक्सेस कर पाओगे। तीसरा, ग्रिड कंप्यूटिंग बहुत महंगा है कॉन्सेप्ट, ये बहुत महंगा है इसको सेटअप करना, करेक्ट। हाँ, सुपर कंप्यूटर परचेस करने से तो सस्ता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसको तभी यूज़ किया जाता है जब आपका टास्क बहुत बड़ा हो, प्रोसेसिंग पावर आपको यूज रिक्वायरमेंट है और बड़ा टास्क को आपको प्रोसेस करना हो, तभी आपने ग्रिड कंप्यूटिंग का यूज़ करना है, करेक्ट। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग। अब आपके सामने जो रियल वर्ल्ड में यूज हो रहा है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग, जो इसका एक बच्चा है, एडवांस वर्जन है, जहां पर वो अफोर्डेबल है, वो स्केलेबल है। स्केलेबल ये भी है, स्केलेबल क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, लेकिन ये महंगा है, क्लाउड कंप्यूटिंग सस्ता है। तो देखो, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी गोज डाउन,
याद करना वो दिन जब फर्स्ट टाइम आईफोन लॉन्च हुआ था 2007 में, जब टच स्क्रीन वाला आईफोन लॉन्च हुआ था, बहुत ज़्यादा प्राइस थी और तब दुनिया में एंड्रॉयड वगैरह इतना नहीं था, लेकिन आज तो आपको नॉर्मल नॉर्मल एक अच्छा सा एंड्रॉयड फ़ोन 4,000 में भी अवेलेबल हो जाता है। ये तो बात है कि जैसे टेक्नोलॉजी आगे जाती है उसकी प्राइस घटती है। तो ग्रिड कंप्यूटिंग पहले आया था तब बहुत महंगा था, तो इसको स्क्रैप करके अब क्लाउड कंप्यूटिंग मार्केट में आ चुका है जो कि काफ़ी सस्ता सा और अच्छा सा ऑप्शन अवेलेबल है। करेक्ट। अब सर ग्रिड कंप्यूटिंग में आपको क्या क्या सीखना है? हमको सीखना है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, हमको सीखना है व्हाट आर द रिसोर्सेस यूज्ड इन ग्रिड कंप्यूटिंग, हमको सीखना है व्हाट आर द एप्लीकेशन एरियाज ऑफ ग्रिड कंप्यूटिंग, और हमको ये भी सीखना है कि व्हाट आर द सिक्योरिटी कंसर्न्स इन ग्रिड कंप्यूटिंग। तो ये चार आंसर हमको ग्रिड कंप्यूटिंग के अंदर सीखना है। तो ये हम करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है? आज के लेक्चर में बस इतना ही।